चलो यहाँ डाल दो। हम लोग क्या देखेंगे आज, तो आप लोग को देखो यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है क्लास टेंथ का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर टू, जिसका नाम है बहुपद, वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। और आज मैथ स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद कल तुम लोग को हिस्ट्री पढ़ा देंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री चैप्टर वन सोच रहे हैं कि दिन में ख़त्म कर देगा, एक दिन में ख़त्म ना हुआ तो हिस्ट्री तुमको दो दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। चैप्टर वन को दो दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आज कल मैथ स्टार्ट कर देते हैं, चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग को बताना चाहते हैं वही कि मतलब ऐसे हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ाए हुए हैं, पता है तुम लोग को होना चाहिए, सब सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी 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 थोड़ा जो पढ़ाएंगे, ठीक है, तो दो दिन में ख़त्म कर देंगे, थोड़ा और अलग अंदाज में पढ़ाएंगे तुम लोग को। अब मेरा सब वीडियो अगर देखना है, पहले अगर देख लेना है तो बताइए, करते हैं कि जगह क्लास से जहाँ लिखा है वहाँ मेरा फोटो है, वहाँ पर क्लिक करेगा तो प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो तुम लोग को जाना प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, प्ले लिस्ट का ऑप्शन जाएगा तो पहले नाइन्थ का सब वीडियो मिलेगा, फिर लिख रहा क्लास टेंथ ओल्ड वीडियो, उसमें जाएगा सब मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का यानी क्लास टेंथ का टोटल सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, और क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, वी वी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल से सोल्यूशन क्वेश्चन में सोल्यूशन ए टू जेड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जाके देख सकते हैं तुम लोग। और आज मैट्रिक वाला रिजल्ट आने वाला है, देख लो आगे तो अच्छा है, ऐसे आ ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड ट्वीट खुद किया है, तो आज आ जाएगा एक बजे के लगभग आ जाएगा, 12 से 3 बजे तक सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ऊपर, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, और तुम लोग को जिसको ग्रुप डिस्कशन में जुटना है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन समझता है ना, हम लोग सब अपने बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जिसको ग्रुप डिस्कशन में जुटना है वो 7:30 PM, PM मतलब प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने, PM मतलब साढ़े सात बजे शाम में, ठीक है ना, ग्रुप डिसीजन करते हैं। जो कंपटीशन में पसंद करो तैयारी करता है अगर बगल उसको बता देना है, ठीक है ना, या पॉलिटेक्निक का जो तैयारी करता है वो भी जुट सकता है, IIT का जो मतलब सरकार निकालने वाला है उसको भी जुट सकता है, कोई दिक्कत ना है, पर डे 7:30 बजे शाम में यानी रात बोलो, ठीक है ना, जुट सकता है आराम से, कोई दिक्कत ना है। और 11th 12th का है तो जगदेव स्टडी सेंटर पर जाओ, उसको भी सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। चलो क्या पढ़ेंगे, तो बहुपद क्या पढ़ेंगे, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के लिए बोलते हैं पॉलीनोमियल, क्या बोलते हैं, पॉलीनोमियल, क्या बोलते हैं, पॉलीनोमियल। बहुपद किसे कहते हैं, जैसे बहुत सारा पद हो, जिसमें क्या हो, बहुत सारा पद हो, क्या हो, जिससे बहुत सारा पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। तुम लोग नवम पढ़ा होगा, बहुपद पढ़ा होगा, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, नहीं पढ़ा, अरे पढ़ा है ना, जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें दो पद हो द्विपदी, जिसमें तीन पद हो त्रिपदी कहते हैं, कहते हैं ना। तो बहुपद में क्या होता है, एक से अधिक पद होता है, क्या होता है, एक से अधिक पद होता है, तो नवम पढ़े एक पदी द्विपदी पढ़े है ना, ऐसे यहाँ पर ले देंगे, बोल देंगे तुमको बता 5x+2, बताए एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी है, जल्दी बता कौन पदी बहुपद है, यानी कितना पद है, जल्दी बता, तो दो गो है, एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है ना, खाली लिख देंगे एक्स, बताओ कौन कौन बहुपद है, एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है, तो एक पदी है, सिर्फ एक पद है, लिख दिए वाई, बताओ कौन बहुपद है, एगो है एक पदी है, लिख दिए एस, बताओ कौन बहुपद है, एगो है एक पदी है, लिख दिए 4y²3y+5, कौन पद है, त्रिपदी है, ये सब तो सिंपल है, सबको बतरूला काम है ना, है बतरूला काम, ये सब तो ऐसे कर देगा, मिटाने वाला कुछ नहीं है, सब दिया उधर बांध दिया था, ला मिटाने वाला प्लान तैयार कर। तो ये सब तो तुमको पता है, पता है, एंड हम देखेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे जो पृथ्वी बहुपद यानी प्रश्नाव अति 2.1 बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है वो सब देखेंगे, बहुपद के बारे में थोड़ा परिचय देखते हैं, ठीक है ना, क्या क्या जरूरत पड़ता है, और डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, पता है ना, अभी हम जो बताने जा रहे हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आना फिक्स है, ठीक है ना, और काफ़ी ईजी है, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ देता है। तो बहुपद को घात के आधार पर क्या बोल रहे हैं, घात मतलब समझ रहा है, घात मतलब ना समझना कि घात लगा के बैठा ले आएगा हमको पीट देगा, घात होता था पावर, क्या होता है पावर, ठीक है ना, यानी घात के आधार पर यानी पावर के आधार पर, पावर के आधार पर बहुपद को, बहुपद को कितना भाग में बांटते हैं पता है, कितना भाग में बांटते हैं, तीन भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बांटते हैं, तीन भाग में बांटते हैं, अच्छा पढ़ना है, ठीक है ना, एक को बोलते हैं रैखिक, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है ना, एक होता है क्या, एक होता है द्विघात बहुपद, क्या होता है द्विघात बहुपद, ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में सवार बनेगा, ऑब्जेक्टिव में आना है तो 2 से 3 नंबर, ठीक है ना, और एक होता है त्रिघात बहुपद, क्या होता है त्रिघात बहुपद, अब सिंपल बात दिमाग लगाओ, द्विघात में मैक्सिमम पावर कितना होगा, दो गो, त्रिघात में मैक्सिमम पावर कितना होगा, पावर मतलब समझ रहा है ना, मैक्सिमम पावर कितना होगा, तीन गो, कितना होगा, जब इसमें दो गो है इसमें तीन एगो है, इसमें क्या गो होगा, एगो होगा, तो इसको नहीं बोलना एक घात बहुपद, नहीं बोल देना,
रेखी भाव पर क्या बोलेंगे, इन्हें बोलना कि इसको एक घात, उसको दो घात, इसको तीन घात, कहेगा कौन पढ़ा दिया घात रे, त्रिरेखिक क्या बोलते हैं, रेखिक, ठीक है ना। तो बताए इसमें पूछेगा क्या, इसमें पूछेगा अधिकतम घात कितना होगा, अधिकतम घात मतलब समझ रहा है अधिकतम पावर, ठीक है ना। तो अधिकतम घात कितना होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि बताओ रेखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो बोलेंगे एक, कितना बोलेंगे, इसमें पूछेगा अधिकतम घात कितना होता है, अधिकतम घात किसमें पूछेगा, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, क्या बोलेंगे, दो। ज़्यादा ये पूछता है, पता है क्यों पूछता है ये, क्योंकि इसका नाम अलग है और एक निकल रहा है, इसका तो नाम हम निकल गया दो, इसका नाम हम निकल गया तीन, लेकिन इसका नाम हमने पता चल रहा है ना, इसलिए ठीक है ना। और पूछेगा त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, अधिकतम तो समझ रहा है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ना है, ठीक है ना, कितना होता है तीन, कितना होता है तीन। अब देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए बहुपद का क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं मानक रूप, क्या बोलते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इसका स्टैंडर्ड रूप क्या है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड रूप देख रहे हैं, मानक रूप देख रहे हैं, तो रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है ए एक्स प्लस बी, क्या होता है ए एक्स प्लस बी। अब देखो एक्स पर पूछेंगे यहाँ पावर कितना है, देखो पावर देखते हैं जो घात होता है ना वो होता है चर पर, तो ए और जो बी है ना कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर समझ रहा है, ये फिक्स है, ये दोनों बदलने वाला यहाँ पर कुछ संख्या रहेगा, यहाँ ये दोनों पर क्या रहेगा संख्या रहेगा, ए बी सी डी सब जो देंगे ये सब कुछ संख्या रहेगा, मान लो यहाँ पाँच है यहाँ दस है, ठीक है ना, तो कुछ संख्या रहेगा। लेकिन एक्स जो है ये चर है, क्या है चर, उसको बोलते हैं जिसका मान बदलते रहता है, उसे क्या बोलते हैं चर, क्या बोलते हैं, तुम लोग भी बदलते रहेगा तो क्या हो जाएगा चर, जो ना बदलेगा उसे क्या बोलेंगे अचर, क्या बोलेंगे अचर। तो एक्स के मान निकालेगा तुमको बोलेगा एक्स के मान ज्ञात करो, तो एक्स का मान बार बार निकालेगा, तो एक्स के मान देखना कभी क्या निकलेगा कभी क्या निकला, तो बदलते रहेगा, ठीक है ना। वाई का मान भी बदलते रहेगा, यानी यहाँ पर जो रहेगा ए बी सी के साथ लिखल उसका मान हमेशा बदलते रहता है, तो उसके लिए बोलता है चर, क्या बोलते हैं और जो नहीं बदलेगा असल, ठीक है ना। गर्मो बोलते हैं ना मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगी, तो मौसम की तरह बदलेगा तो क्या होगा चर, क्या होगा आना बदलेगा तो क्या होगा अच्छा, ठीक है ना। चलो इसका देख लिए ना, अब देखते हैं अधिकतम घात, क्या लिखते हैं अधिकतम घात, इसमें रखते हैं द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप मतलब समझ रहा है टाई बेल्ट एकदम लगा, टाई बेल्ट को एकदम लगा लिया, मानक रूप क्या बोल रहे हैं मानक रूप, तो क्या होगा सिंपल बात है द्विघात है तो दो घात से शुरू कर, कितना घात से शुरू कर, यहाँ घात कितना है कुछ नहीं है तो एक, कितना है लेकिन एक लिखते हैं क्या नहीं, एक जान जाते हैं ना लिखा हुआ तब भी जान जाते हैं एक छिपा हुआ है, ठीक है ना। और द्विघात बहुपद में मैक्सिमम घात कितना होगा दो, कितना होगा तो शुरू करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस, देखो घात मैक्सिमम कितना होगा दो, हो गया ना। अब यहाँ पर एक उससे को मतलब ना है मैक्सिमम 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 कितना हो गया दो, कितना हो गया यहाँ मैक्सिमम दो घात, यहाँ एक घात, यहाँ कुछ हो नहीं तो लड्डू घात, लेकिन मैक्सिमम कितना है दो, कितना है दो, समझ आ गया ना। त्रिघात बहुपद का पूछेंगे मानक रूप बता, बता देगा बताएगा रे, त्रिघात बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म टाई बेल्ट लगा के जल्दी बता क्या होगा, तो तीन से शुरू करेंगे त्रिघात है ना, तो तीन से शुरू कर ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हो गया समझ लो क्या, क्यों क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ पर त्रिघात तो मैक्सिमम कितना लिए तीन, कितना लिए तीन लिए, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है। तो ये रेखी बहुपद के बारे में जान लिए, लेखी बहुपद के बारे में जाना नहीं पूछता है, इतने रहता है। और द्विघात बहुपद के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, द्विघात बहुपद को देख और त्रिघात बहुपद को भी देखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछेगा द्विघात बहुपद, बहुपद पता है, अगर मान लो कि द्विघात बहुपद का दो, द्विघात बहुपद का कितना अधिकतम मूल होता है, घात कितना हो गया दो, कितना हो गया दो, ठीक है ना। तो इसका अधिकत इसका देखो चलो मूल भी लिया, तो मूल समझता है तुम लोग, मूल समझता है तुम लोग, मूल मूल मतलब एक्स के मान निकालेंगे, मूल मतलब एक्स के मान निकालेंगे, तो कितना एक्स के मान निकलेगा उसको बोलते हैं मूल, क्या बोलते हैं मूल, क्या बोलते हैं मूल, ठीक है ना। तो बता रेखिक बहुपद का अधिकतम मूल कितना होगा, तो जितना घात उतने मूल, जितना घात उतने मूल, मूल मतलब कौन सी आंसरबा, मूल मतलब कौन सी आंसरबा, तो जितना घात उतने इसका कितना होगा एक, कितना होगा इसका अधिकतम मूल कितना होगा, कितना होगा अधिकतम मूल इसका हो जाएगा दो, यानी x का मान निकालेंगे तो निकलेगा दो गो, कितना निकलेगा, और इसका अधिकतम मूल कितना होगा, कितना होगा ये बता दे तीन होगा, कितना होगा यानी यहाँ x के मान निकालेंगे तो निकलेगा तीन गो, कितना निकलेगा तीन गो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर दो मान निकल रहा है, कितना मान निकल रहा है दो मान, तो मान लो कि एक मूल जो निकला उसको बोल दिए अल्फा, क्या बोल दिए अल्फा, ऐसे करके ऐसे घुमा दो नाका हो जाएगा अल्फा, क्या होगा, और ऐसे करके ऐसे कर दो हो जाएगा बीटा, क्या हो जाएगा
तो मान लो कि इसका दो मूल है, कितना मूल है, दो मूल है, एक ठो है अल्फा तो एक ठो बीटा, एक ठो अल्फा तो एक ठो बीटा, ठीक है ना। और इसका तीन मूल है तो तीनों नाम लिखो, तो क्या लिखा लिखेंगे जल्दी बता दें। एगो बोल दिए अल्फा, क्या बोले, एगो बोले बीटा, क्या बोले, एगो बोल रहे गामा, क्या बोल रहे हैं, ऐसे कर दो तो क्या होगा गामा, वाई कैसे करो थोड़ा ऐसे कर दो तो क्या होगा गामा, सहरबाना है, सहरबाना है बोलना है, क्या बोलना है गामा, गमे में पढ़ रहे हैं हम लोग, गामा बोलना है, क्या बोलना है गामा, कोई दिक्कत है। अब क्या देखेंगे, आप देखेंगे क्या, तो यहाँ पर डायरेक्ट अब क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब क्या बनेगा, तो बोलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, यानी मूलों का योग बराबर क्या होगा। अरे अल्फा प्लस बीटा ये मूल है ना, क्या है मूल है, तो पूछेगा मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, पूछेगा मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, पूछता है, ठीक है ना। तो चलो देखो, तो क्या पूछेगा, पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे, तो दोनों मूल है, कौन सी है मूल है, कौन सी है मूल है, तो बोलेंगे मूलों का योगफल। अरे जोड़ रहे हैं तो जोड़ को क्या बोलते हैं, योगफल बोलते हैं ना, तो बोलेंगे मूलों का, मूलों का, तब मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ए, क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो जब भी बोलेगा कि मूलों का योगफल ज्ञात करो, तो कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ जो लिखा लो दो नंबर में यानी बी, जो बी है उसको लिख दे और जो ए है उसको लिख दे और यहाँ माइनस लगा दे, आंसर क्या होगा, आंसर, ठीक है ना। पूछेगा बता मूलों का गुणनफल क्या होगा, क्या पूछेगा मूलों का गुणनफल, तो मूल मिला यही है ना, तो मूलों का गुणनफल पूछेगा, तो गुना कर दिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए होता है, ठीक है ना। यानी पूछेगा कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, वो सी लेना है ऊपरा में और ए लेना है निचुआ में, और काट उठ के जो मान आएगा वही आंसर, समझ तुमको आ गया। अब इसमें देखते हैं क्या होता है मूलों का योगफल, तो इसमें भी मूल क्या है तीन गो, क्या है इसमें तीन गो निकलेगा, एगो निकलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हुआ, इसको बोलेंगे मूलों का योगफल, क्या बोलेंगे मूलों का योगफल, क्यों बोलेंगे, क्योंकि सब मूल को जोड़ दिए हैं, तो जोड़ के बोलते हैं योगफल, क्या बोलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो इसमें लिखे थे क्या, इसमें लिखे माइनस बी बटा ए, लिखे है ना, तो इसमें भी लिखेंगे माइनस बी बटा ए, यानी कुछ नहीं करना है, अगर ईमान निकालना है मूलों का योगफल निकालना है, त्रिघात बहुपद में एगो बी लो एगो ए लो, बी को ऊपरा में एक को निचवा में माइनस लगा दो, क्या लगा दो माइनस, समझ लुकाया। दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है मूलों का दू को करके, क्या बोल रहे हैं मूलों का दो दो गुणनफल करके योगफल, यानी दो को गुना कर फिर योगफल, फिर दो गुना कर फिर योगफल, फिर दो गुना कर योगफल, यानी बोले तो अल्फा इंटू बीटा फिर जोर, बीटा इंटू गामा फिर जोर, फिर गामा इंटू अल्फा फिर जोर, समझ तुमको आ गया, आया समझ, यानी मूलों के दो दो गुणनफलों का योगफल, मूलों के दो दो गुणनफलों का दो दो गुना किया है ना, और उसको क्या किया योग कर दिए यानी जोड़ दिए, क्या किए जोड़ दिए ना, कैसे किए, तो अल्फा इंटू बीटा ये दोनों गुना हो गया, बीटा इंटू गामा ये दोनों गुना हो गया, लेकिन ये दोनों अभी तक ना हुआ ना हुआ ना, तो फिर बोल दिए गामा इंटू अल्फा, क्या बोल दिए बराबर क्या होगा, तो होगा सी बटा ए, क्या होगा सी बटा ए, क्या होगा सी बटा ए, यानी बोलेगा इसका मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ सी पर करना है, यहाँ ए पर करना है, सी को ऊपर लिखना है, ए को नीचे लिखना है, आंसर, कोई दिक्कत है, लेकिन यहाँ तीन बहु त्रिघात बहुपद है ना, तो एक संबंध और आएगा, एक आएगा तीनों के गुणनफल, तीनों के यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो पूछेगा बता अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे क्या जल्दी बता, यहाँ तो हम है ना ना, ये दोनों समाप्त हो गया ना, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे माइनस डी बटा ए, यानी पूछेगा इसका मान कितना होगा, तो डायरेक्ट बोलना है कुछ होना, यहाँ से लेना है डी, यहाँ से लेना है ए, डी लिखना है ऊपर, ए लिखना है नीचे, लगा देना है माइनस, समझ तो आ गया, और इससे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बन जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना, बोलेगा इसका मान क्या होगा, तो याद आएगा तब ना, समझ तुमको आया। कभी कभी तुमको क्या करेगा, देखो कभी कभी तुमको क्या करेगा, मूलों का योगफल दे देगा, मूलों गुणनफल दे देगा, द्विघात में ऊपर का पूछता है, त्रिघात का जल्दी नहीं पूछता है, ठीक है ना, मूलों का योगफल दे देगा, मूलों का गुणनफल भी दे देगा, और बोलेगा बता द्विघात बहुपद को जो बनेगा, जो द्विघात बहुपद बनेगा इस तरह जो बनेगा, वो कौन सा द्विघात बहुपद है उसका मान लिखो, उसका मानक रूप में लिखना है, सूत्रवार देखो याद रखो, तो जब मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल दिया रहे, मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल दिया रहे, तब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, देखो सूत्रवार याद रखना, द्विघात बहुपद का सूत्रवा क्या होता है, आई डायरेक्ट पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, दुनवरिया में भी आ सकता है, ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तब इसको बोलेंगे इससे, देखो
यहाँ ध्यान दे, यहाँ बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर, क्या बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस, क्या बोलेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये याद रखना ठीक है ना, समझ गया ना क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी जब द्विघात बहुपद का योगफल दिया रहेगा तो उसका मान मान यहाँ चिपका देना है, कहाँ चिपकाना है, यहाँ पर चिपका देना है, और द्विघात बहुपद का गुणनफल दिया रहेगा उसका मान यहाँ चिपका देना है, बस आंसर निकल गया, समझ रुका गया, द्विघात बहुपद का योगफल दे रहेगा, द्विघात बहुपद का गुणनफल दे रहेगा, तो बोलेगा द्विघात बहुपद का सूत्रवा कौन चीज होगा बताओ, तो द्विघात बहुपद का योगफल यहाँ चिपका दो, द्विघात बहुपद का गुणनफल यहाँ चिपका दो, क्या हुआ आंसर क्या हुआ, जैसे मान लो हम दे दिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिए पाँच, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिए हैं एक, ठीक है ना, अब बोलेंगे द्विघात बहुपद क्या होगा बताओ, तो क्या करेंगे अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा जहाँ पर है वहाँ क्या देंगे पाँच, क्या देंगे यहाँ आ जाएगा क्या आता है, यहाँ आ जाएगा मेरा पाँच, तो क्या आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा मान कितना दिए एक, कितना दिए तो यहाँ दे दिए एक, थे प्लस एक हो जाएगा, समझ तुम लोग आया, जल्दी छापो, उसके बाद आप पहुँचते हैं लेसन में, बस इतने पढ़ना था, इसका भी सूत्र होता है लेकिन इसका सूत्र पूछता ना है, ठीक है ना, सूत्र बोलेगा तो लिख देंगे इसका, लेकिन पूछता ना है, ठीक है, चलो तो इसको हम देख लिए ना, आई लिस्ट वाले खाना पाई जो लिस्ट हम बना दिए इससे बोल दिए दूसरे तीन ऑब्जेक्टिव आना नाम फिक्स है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आना फिक्स है नम इससे, ठीक है ना, और देखना तुम लोग कभी कभी यहाँ पर ए ए नहीं हो देगा लिखा रहेगा तभी चलेगा, मान लो कि यहाँ बट्टा में रहेगा क्या रहेगा वन बाय टू आ गया, यहाँ पर टू बाय थ्री आ गया तो भिन्न का जोड़ करेगा ना, तो ये तीन दो के लोग तो हम छुआगा तो यहाँ छुआ जाएगा वही एक रूप में काम करेगा, तो ए नहीं भी देगा तो भी चलेगा, ठीक है ना, तो उससे कोई दिक्कत ना है। अब देखो तुम लोग का प्रश्नावली 2.1 जो है वो काफ़ी ईजी है, ठीक है ना, प्रश्नावली 2.1 क्या है काफ़ी ईजी है, उसके लिए थोड़ा बता रहा है ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है, और 2.1 को बस 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब 2 मिनट में ख़त्म 2.1, उसके बाद 2.2 में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, तो 2.1 2 मिनट में ख़त्म, 2.1 देखो 2.1 में क्या बोलेगा, तुम लोग देखो पूछेगा किसी का कितना मूल होगा, किसी का कितना मूल, तुम लोग ग्राफ के द्वारा बताना, किसके द्वारा बताना, ग्राफ के द्वारा, ग्राफ के ग्राफ को देखो और बता दो किसका कितना मूल होगा, मूल समझ रहा है ना, यानी चर का मान, चर का घर के नहीं, किसका मान, चर का मान, चर का जो मान होगा उसे बोलेंगे मूल, क्या बोलेंगे, तो लेकिन बताना है ग्राफ देख के, क्या देख के बताना है, ग्राफ देख के, मान लो कि यहाँ अगर आप ऐसे दे दिए ये कौन अच्छ, कौन अच्छी है, नवम में पढ़ा है मूक अच्छ है, पगली कि नवम पढ़ा है तुम लोग, खड़ा हो गया तो कौन अच्छ, वाई एस, रात होता है 10 बजे और चटाक से सो जाता है कौन अच्छ, एक्स अच्छ, तो सो गया तो कौन अच्छ, एक्स अच्छ, अब भोरे भोरे खड़ा हो गया तो कौन अच्छ, वाई एच, कौन अच्छ, वाई एच, अब देखो ग्राफा ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ देख के बताना किसका कितना मूल होगा, ठीक है ना, तो ग्राफ क्या बोलता है पता है, ग्राफ बोलता है कि हमारा एक्स के जितना बार टच करवो या एक्स के जितना एक्स के जितना बार काटेंगे उतना मूल, क्या बोलता है, यहाँ लिखना है नोट में, क्या लिखना है, नोट में लिखना है एक्स एच को, एक्स एच को जितनी बार, जितनी जितनी बार, जितनी बार छूता हो, छूता हो या काटता हो, या काटता हो उतना मूल होता है, उतना क्या होता है, मूल होता है, क्या होता है, मूल होता है, समझ तुमको आ गया, चलो बताओ यहाँ पर एक ग्राफ खींच दिए, मान लो कि यहाँ पर ऐसे ग्राफ खींच दिए, ए बंदन यहाँ जानते एक ग्राफ हम ऐसे खींच दिए, बोलेंगे बता कितना मूल होगा, कितना मूल होगा, अगर आप ऐसे खींच दिए हैं अब बोल दिए बता कितना मूल होगा, तो एक्स एक्स मेरा कौन है, ये वाला है ना, एक्स एस से कहाँ काटा है, न तो टच किया है न तो काटा है, तो कब मूल होगा, तो लड्डुआ, कितना मूल होगा, तो पूछेंगे मूल बराबर, तो बोलेगा लड्डू, कितना बोलेगा लड्डू, समझ आ गया, चलो दूसरा देते हैं, अगर आप हम ऐसे कर दिए, क्या कर दिए, ऐसे गए और ऐसे कर दिए, बोलेंगे बता कितना मूल होगा, कितना मूल होगा, जल्दी बता कितना मूल होगा, कितना मूल, तो देखो एक जगह एक्स एस को यहाँ काट रहा है, काट रहा है ना, एक्स एस को ध्यान देना, वाई एस को गोली मारो, क्या मारो, गोली मारो, गोली ना आए तो पत्थर ढलाया जाए उसको कुछ भी मार देना है, ठीक है ना, तो देखना कितना एक्स एस को कितना बार काटा है, एक बार यहाँ, एक बार, एक बार यहाँ, एक बार, ये वाला नहीं देख लेना, ये तो वाई एस को काट रहा है ना, हमको वाई एस मतलब ना है, वाई एस मतलब ना है, ठीक है ना, कितना हो जाएगा मूल, तीन गो, समझ लो क्या, समझ लो क्या, ऐसे दे दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है ना, ऐसे कर दिए, ऐसे बोले कितना मूल, जल्दी बता दे कितना मूल, कितना मूल,
तो एक्सरसाइज में कहाँ टच कर रहा है, टच कर रहा है तो काट रहा है, नहीं काट रहा है, लडुआ के गो हुआ, लडुआ के गो हुआ, लडुआ, ठीक है ना, ऐसे कर दिए, समझ रहा है, ऐसे कर दिए हैं और यहाँ से हम ऐसे कर दिए हैं, ठीक है ना, ऐसे कर दिए, के गो मुँह जल्दी बता दे, एगो अंधरा है का, एगो है, मेरा घर पर दाता निकालते, दाता तो सरा हुआ है, मुँह दो प्रत्येक दिन, चलिए यहाँ ध्यान दे, एक तो यहाँ एक एक्सरसाइज काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, काट रहा है तो दो के गो, इसे बता देगा ना, बता देगा, बता के गो, या तो ऐसे दे देते हैं, के गो के गो, एक मिनट पर टच कर रहा है, कर रहा है ना एक्सरसाइज को, तो एगो के गो, चल बताओ तुम लोग, किताब निकालो फटाफट बताओ, बन गया 2.1 निकालो, बन गया, दो मिनट में ख़त्म, चल 2.1 निकल गया, निकल गया ना, और 2.2 बनेगा उससे जो इला बनाए थे ना, 2.2 के लिए ये वाला है, टेब अंदर 2.2 के लिए कौन सा है, 2.2 के लिए ये वाला जो हम किए थे ये वाला है, देखो फटाफट देखो, बोल रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, इतना ग्राफ दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, क्या करें, संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना, बता के शून्यक क्या, वो मूल को ही बोलते हैं शून्य, क्या बोलते हैं, मूल को ही बोलते हैं शून्य, क्योंकि मूल का मान, मूल का मान बहुपद में रखने पर उसका मान आता है लड्डुआ, क्या आता है, और लड्डू बोलते हैं शून्य, क्या बोलते हैं, इसलिए मूल को बोलते हैं शून्य, क्या बोलते हैं, मूल को बोलते हैं आंसर भी बोलते हैं, मूल को शून्य भी बोलते हैं, और मूल को चर का मान भी बोलते हैं, समझ आ गया ना, मूल को शून्य भी, मूल को आंसरवा भी, और मूल को चर का मान भी बोलते हैं, है कोई दिक्कत है, तो बोल रहा है के गो शून्य, तो बता के गो शून्य होगा, देख ले एक्स एक्स को कहाँ काट रहा है, नहीं काट रहा है, लड्डू कितना शून्य, तो लड्डू शून्य, रसगुल्ला नहीं लड्डू, ठीक है ना, क्या शून्य, यहाँ बता के गो, तो कहाँ काट रहा है, एक्स एक्स को ध्यान देना है, वाई को गोली मारो, किसको ध्यान देना है, एक्स एक्स को ध्यान देना है, किसको ध्यान देना है, एक्स एच को, ठीक है ना, तुम लोग को भोज में जाता है तो मान लो कहीं जिलेबी या रसगुल्ला, पहले किस पर ध्यान देता है, रसगुल्ला पर लेता है ना, जिलेबिया गोली मार देता है, जब रसगुल्ला नहीं रहेगा तब ना दूसरे ध्यान देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दो, रसगुल्ला पर ध्यान दो, एक्स एक्स पर ध्यान दो, क्या गो है, क्या गो है, ए गो, किसका लिखना है, मूल बराबर शून्य बराबर एक, शून्य बराबर इसका कितना शून्य, जल्दी बता दे, तो देख लो एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ न है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हो गया, कितना शून्य हुआ, तीन गो, कितना होगा, तीन गो, इसका कितना, कितना, दो गो, एक ठो यहाँ काट रहा है, एक ठो यहाँ काट रहा है, दो गो, कितना हुआ, इसका क्यों, इसका क्या, जल्दी बता, एक्स एक्स को कितना काट रहा है, दो बता, पगली यहाँ, देख एक यहाँ, एक यहाँ, दो गो हो गया, नीचे कोई मतलब नहीं है, नीचे वाई के लिए काट रहा है, कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ देखो तीन और यहाँ पर चार, चार शून्य, कितना शून्य, इसका देख लो, क्या गो, तीन गो है, एक गो, दो गो, तीन गो, अब यहाँ ना चल जाना ऊपर, वाई ऊपर काट रहा है, काट रहा है ना, ऐसा क्यों, तो बन गया, चलो प्रश्नावली 2.2 में पहुँचो, 2.1 ख़त्म, प्रश्नावली 2.2 बन जाएगा रे, प्रश्नावली 2.2 में पहुँचो और फटाफट बनाओ, ठीक है, थोड़ा हम रोक रहे हैं और मिटा रहे हैं, चलो प्रश्नावली 2.2 जल्दी जल्दी देख लो, ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन मतलब दो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उसी में भर दिया है, ठीक है ना, तो 2.2 फटाफट देखो, अगला बोर्ड टूट गया था, ठीक है ना, चलो यहाँ ध्यान दो, हाँ क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपद, क्वेश्चन निकालो, तुम लोग को बुक बाउल लिखना है मैथ का, क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो, शून्य मतलब समझ रहा है ना, शून्य मतलब कौन सी, आंसरवा, आंसरवा मतलब कौन सी, मूल, आंसरवा मतलब कौन सी, मूल, मूल मतलब कौन सी, शून्य, और शून्य मतलब कौन सी, चर के मान, तो आंसर बोले चर के मान बोले, मूल बोले, या क्या बोले, या शून्य बोले, सब एक है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, बोला निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तुम नमाम पढ़ा है ना, नवम में तुम्हें नहीं पढ़ा सॉल्व करने के लिए, ऐसे देता था 9x² + 5x + 4, तो टोटो छोटो पर नहीं करता था, इसको सॉल्व करता था नवम में, नवम तो इला भरा हुआ है, तुमने जब पढ़ता होगा अलजेब्रा, जब पढ़ता होगा तो अलजेब्रा में जब पहुँचा होगा लगभग एक से दो प्रश्नावली पार किया होगा, तो उसमें तुमको मिलता है क्या, ये मिलता है टोटो छोटो बनाने के लिए मिलता है ना, इसमें एक्स के मान निकालता है कि ये दोनों को गुना करता है, बीच वाला को इस तरह तोड़ता है, तोड़ता है ना, कि बीच वाला किस तरह तोड़ता है, कि जोड़ने पर ही आ जाए, गुना करने पर ही दोनों आ जाए, बताते थे ना, नमान तो उन्होंने पढ़ा है रे बंदर, ना पढ़ा तो जग पढ़ मनोहर पोथी,
क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य को शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य, यानी जो यहाँ पे x है तो x का मान, यहाँ पर s है तो s का मान, यहाँ पर x है तो x का मान, यहाँ u है तो u का मान, यहाँ t है तो t का मान, ठीक है ना। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच समान, शून्य को तथा गुणांकों के बीच समान। शून्य क्या होगा? शून्य को हमारा अल्फा बीटा क्या होगा? अरे अल्फा बीटा क्या है? मूल है, और मूल को क्या बोलते हैं? शून्य क्या बोलते हैं? और गुणांक क्या होगा पता है? तो गुणांक इसको बोलते हैं, देखो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिए ना, सिली दिए ना, तो इसमें गुणांक कौन है पता है? तो देखो एक्स स्क्वायर में क्या गुना है? ई गुना है, तो ये मेरा गुणांक क्या हो गया। एक्स में क्या गुना है? बी गुना है, तो बी मेरा हो गया गुणांक क्या हुआ। और ये मेरा भी लास्ट में तो सी है, इसके साथ एक्स नहीं है, ये भी हुआ गुणांक क्या हुआ। तो दिखाना है कि शून्य और गुणांक में क्या संबंध है, यानी हमको संबंध दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान जितना जोड़ने पर आ रहा है इसके बराबर हम क्या पढ़े, माइनस बी बीटा पढ़े है ना, तो इसका भी मान दोनों मान बराबर आता है कि आ गया, तो हाँ संबंध यही है। समझ तुम क्या कहना आना चाहिए, क्योंकि यही तो सूत्र भी लिखाए थे ना। चलो पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब फटाफट तुम लोग को बन जाना चाहिए, क्योंकि नौमाला जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है नौमा पढ़, ठीक है ना। जो नहीं पढ़ा वो पढ़, आठवां पढ़ा है, सतवां पढ़ा है, छठा पढ़ा है। बता क्वेश्चन नंबर वन क्या बोरा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, यही है ना। अब बोरा से शून्य ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? तो पहले तुम नौमा में चल, नौमा चल और शून्य ज्ञात कर। क्या करते हैं? तो पहले हम क्या करते हैं, तो बगल में थोड़ा रफ करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ कुछ ना तो एक है, क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट गुना करते हैं पता है ना, तो आठ एकम आठ, आठ एकम चिन्ह सहित गुना करते हैं, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस करते हैं। अब हम बोलते हैं बिचला को इस तरह तोड़ना है, बिचला को इस तरह कि गुना करने पर इबला आवे, गुना करने पर यह वाला आवे, और यहाँ पर घटा कौन सी है, तो घटाने पर माइनस दो आवे, घटाने पर माइनस दो आवे, यानी बीच लाभ है। क्या लाभ है? बीच लाभ है। बता कैसे टोड़े हैं, जल्दी बता कैसे टोड़े हैं। तो चार आठ दूने टोड़ेंगे, चार दूनी आठ, घटा दो चार में से दो गया दो, लेकिन हम माइनस दो लाना, तो कैसे लाएंगे माइनस दो? तो देखो जब घटाने की बात रहेगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ समझ, जब घटाने के बात रहेगा, जब घटाने के बात रहेगा तो बिचला चिन्मा, बिचला चिन्मा बरका के साथ, बिचला चिन्मा तो यहाँ देंगे, बिचला चिन्मा बरका के साथ, तो यहाँ देंगे प्लस, क्या देंगे? अरे माइनस दो लाना है ना, दिमाग इतना लगा तुम लोग कि यहाँ माइनस चार लेंगे तब ना दो जोड़ेंगे तब ना माइनस दो आएगा, समझ तुम लोग आ गया। अब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ माइनस आठ का माइनस आठ, यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बस हो गया। अब कहेगा कि ये दोनों बोलेगा हम दोनों दोस्त, कहे ठीक है दोस्त बन, ये दोनों बोलेगा हम दोनों दोस्त, क्या अब क्या हो जाएगा, तो इससे कॉमन क्या हो रहा है, एक्स क्या कॉमन हो रहा है, एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना एक्स बचा, एगो माइनस का माइनस एक्स कॉमन, तो क्या बचा चार, प्लस का यहाँ दो कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है दो, दो बाहर, तो क्या बचा एक्स माइनस का दो चौक कितना आठ। ध्यान देना है, ध्यान देना है क्या, अगर ये दोनों जब तक नहीं मिला था तो सही ना है, ये दोनों मिल गया तो क्या बोलेगा सही, क्या बोलेगा सही, ठीक है ना। तो क्या अब क्या करेंगे, तो ये दोनों बन ली, इधनों बन ली एगो, इधनों बन ली एगो, आई दोनों को एक साथ, इधनों को और शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में लिखते लड्डू, अरे शून्य मतलब लड्डू, शून्य मतलब यानी यहाँ लड्डू लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ भी लड्डू देना है, यहाँ भी क्या देना है, एक बार कहेंगे तुम खाओ लड्डू, एक बार बोलेंगे ई खाओ लड्डू, यानी दोनों खिलाएंगे लड्डू, क्या खिलाएंगे रसगुल्ला नहीं खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे लड्डू, एक बार आप इसको खिलाओ लड्डू, ठीक है ना, दोनों लड्डू खिलाएंगे तो बराबर क्या होगा चार, एक्स बराबर क्या होगा माइनस दो, क्या होगा यही मेरा क्या हो गया शून्य, क्या हो गया शून्य, इसको बोल देते हैं अल्फा, क्या बोल देते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं बीटा, समझ तो आया। अब ये निकल गया ना, बोरा क्या बोरा शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कर लिए ना। अब बोरा क्या शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्य को तथा गुणांकों के बीच, तो हम क्या संबंध पढ़े थे, हम दो संबंध पढ़े थे, वो पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बीटा ए, पढ़े थे ना, एगो पढ़े थे क्या, एक पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, द्विघात समीकरण में यही पढ़े, अच्छी सॉरी द्विघात बहुपद में यही पढ़े थे। तो चलो देखते हैं, तो देखते हैं संबंध क्या देखते हैं, तो पहला संबंध देखते हैं, पहला संबंध क्या देखते हैं, तो पहला क्या पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा कितना है जल्दी बता दे, अल्फा कितना है चार, प्लस का बीटा कितना है माइनस दो, दो बोलेगी माइनस दो, कितना माइनस दो, तो कितना हो गया देख लो, तो चार में से यहाँ देख चार का चार प्लस माइनस माइनस दो का चार में से दो गया दो। अब देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मान कितना आया दो, कितना आया दो। अब अगर अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हम अगर ई लिख दें, क्या लिख दें माइनस बी बीटा ए लिख दें, तो उसका मान भी दो आना चाहिए, तब यही हो जाएगा संबंध कि दोनों हमेशा बराबर होता है। तो चलो देखते हैं, तो चलो देखो माइनस बी बीटा ए क्या बोल रहा है, माइनस बी बीटा ए के मान लेने पर इतना आ रहा है दो आ रहा है, तो आ जाएगा देखो माइनस का बी 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 खोजो, तो अगुआ में यहाँ है तो ए, इबला हो गया बी और इबला हो गया ए बी सी, ए बी एक्स एक्स के साथ जो रहेगा वो हमेशा ए होगा, एक्स के साथ जो रहेगा वो हमेशा बी होगा, इसके साथ क्या होगा सी, द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद। तो चलो तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस का
माइनस, बी का मान कितना है? चिन्ह से इतने बोलना है, माइनस दो क्या है और बट्टा ए, तो ए कितना है? एक, तो हो गया माइनस माइनस प्लस दो, एक का दो लिखो, आ गया ये वाला, आ गया ना, यानी ये वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता किसका? बराबर होता किसका? माइनस बीटा ए, यही संबंध हो गया। ये संबंध क्या हुआ? एक संबंध दिखा दीजिए ना, दूसरा संबंध दिखाना है, कितना दिखाना है? दूसरा संबंध, दूसरा दूसरा संबंध क्या बोलता है? बोलता है अल्फा इंटू बीटा, क्या बोलता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है? तो यहाँ निकाले थे चार, क्या निकाले थे? चार इंटू बीटा मान कितना है? माइनस दो, कितना है? माइनस दो, गुना करो चार दुनी आठ, माइनस आठ कितना आया? चलो अल्फा इंटू बीटा बीटा बराबर क्या पढ़े? सी बीटा है, यानी सी बीटा ए करेंगे तब इतना आना चाहिए, तो संबंध हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा संबंध की दोनों बराबर होता है। तो चलो सी बीटा ए का मान निकालो, सी बीटा ए का मान जब निकालेंगे तो सी मेरा कितना है? चिन्ह से इतने बोलो, माइनस आठ, ए मेरा कितना है? एक, भागा दे रहे माइनस आठ आ रहा है, यानी सी बीटा एक मान भी कितना रहा है? इतना आ रहा है, यानी बराबर हो गया सी बीटा ए इसका, हो गया ना, हो गया ना, यानी क्या हुआ संबंध? क्या हुआ? तो संबंध हुआ कि अल्फा इंटू बीटा मान जितना होता है उतने होता है, सी बीटा ए का मान उतने होता है, तो ये दोनों क्या हुआ? संबंध, ये दोनों क्या हुआ? संबंध हो गया, समझ गया? एक संबंध यहाँ पर आया, एक संबंध वहाँ पर आया, समझ गया ना? संबंध तो समझ रहा है ना, तुम लोग के घर में संबंध बना होता है, तुम लोग का भी संबंध होगा, शादी होगा तो सास ससुर होगा, होगा ना, वह संबंध है क्या? तो यहाँ भी संबंध हुआ, क्या हुआ? संबंध, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? बन जाएगा सब, आप जल्दी बताओ उसमें जितना ऐसा बन जाएगा, अगर तुम इला निकालने जानते हैं तो बन जाएगा, खाली यहाँ तक निकालना है, निकाल लेगा ना, और नंबर तुम लोग पढ़ाया ना, निकालो फटाफट, टाइम पार करने को फायदा ना है, हम निकाल के छोड़ देते हैं, तुम लोग कर लेना आगे, ठीक है ना, जो नया बनेगा वो एक चुरू पानी बताए कि क्या करना है, एक चुरू पानी लेके क्या है? फोर एस स्क्वायर, क्या है? फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, और निकालना है शून्य, क्या निकालना है? तो लड्डू, क्या लिखेंगे? लड्डू, शून्य मतलब लड्डू, अब निकाल लेगा ये, और नंबर तुम लोग पढ़ा है, क्या करते हैं पहले? फर्स्ट एंड लास्ट गुना, फर्स्ट एंड लास्ट चार का चिन्ह साहित्य, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस से आया, क्या आया? आप बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे बेचारा तुम यहाँ, बेचारा पकड़ेंगे और कहेंगे तोड़ा टोरबो, कौन सी करबो, इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे? तोड़ेंगे, अब देखो तोड़ेंगे तो यहाँ देख, यहाँ यहाँ देख, तोड़ने पर, तोड़ने पर गुना करने पर कितना आवे? चार, कितना आवे? चार आवे, ठीक है ना, और जोड़ है तो जोड़ने पर कितना आवे? माइनस चार, कितना आवे? माइनस चार, समझ आ गया ना? तोड़ो तो दू दू ना हो गया, दो दूनी चार, दो जो दो, लेकिन माइनस चार लाना है ना, तो माइनस चार कैसे आएगा? तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस ना होगा, यानी जब जोड़ने का बात रहे, जब जोड़ने का बात रहे तो बिचला चिन्मा, बिचला चिन्मा दोनों साथ, बिचला चिन्मा दोनों साथ, अब यहाँ एस है तो यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, बस हो गया ना, हुआ आगे क्या है? तो आगे मेरा है फोर एस स्क्वायर, क्या है? पीछे क्या है? प्लस वन, क्या है? बस हो गया। आई बोलेगा हम दोनों दोस्त, बोले ठीक है दोस्त रहा, एस यहाँ भी, एस यहाँ भी, एगो एस बाहर, अरे दो गो एस बाहर नहीं ले लेना, छोटा वाला एक 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 एस है, यहाँ भी चार, यहाँ भी दो, तो यहाँ पे दो भी, यहाँ भी दो, दोनों जगह दो है, दो दूनी चार ना होगा, यहाँ दोनों जगह क्या है? दो, दो भी बाहर, तो दो भी बाहर, तो एगो दो बच गया, एस स्क्वायर है, एगो एस बाहर, तो एगो एस बच गया, माइनस के माइनस, ये पूरे बाहर, तो कुछ नहीं बचा, तो एक बचा ना, बचा और टू एस एस से भागा देंगे, एक बार में नहीं कटेगा, कटेगा ना, माइनस के माइनस, यहाँ क्या कॉमन होगा? तो एस यहाँ, एस यहाँ ना है, दो यहाँ है तो दो यहाँ ना है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, जब कुछ कॉमन ना हो तो एक, जब कुछ कॉमन ना हो तो क्योंकि एक्स से भागा दो, एक्स से हमने भागा लग जाता है, चलो एक से, तो देखो माइनस बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा अंदर में क्या? प्लस टू एस, क्या बचेगा? अरे एक से भागा देंगे तो वही ना आएगा, टू एस से ना आएगा, आप यहाँ पर ध्यान दो, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ है प्लस, तो माइनस, तुम लोग जानते हैं कि माइनस सब चिन्ह को चेंज कर देता है, करता है ना, माइनस बहुत चुटिया है, सब चिन्ह क्या करेगा? चेंज करेगा, क्या करेगा? तो यहाँ पर माइनस था तो हो गया प्लस, यहाँ प्लस था तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस बाहर है, ठीक है ना, बराबर लडुआ के लडुआ। अब बोलेंगे दोनों के क्या बोलेंगे? बोलेंगे तुम दोनों तो मिल ही रहा है, यानी मेरा हिसाब सही है, मेरा हिसाब क्या है? जब तक कि दोनों नहीं मिले तो हिसाब सही ना है, मिल गया ना। अब बोलेंगे तुम दोनों भी एक के साथ आ जा, बोलेगा आ गई हो ना, आ गया, अब बराबर लड्डू के लड्डू, बोलेंगे बात तुम लड्डू खाए, बात तुम लड्डू खा, बोलेगा दोनों तो एक के, दोनों एक के है ना, दोनों एक के ना हो गया रे, हो गया ना, दोनों यहाँ पर एक के है, ठीक है ना, तो लिखेगा टू एस माइनस वन बराबर लडुआ, टू एस माइनस वन बराबर लडुआ, तो एस बराबर कौन चीज़? एक को उधर भेजो प्लस एक, दो के उधर भेजो बट्टा दो, होगा और दो इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, एक को उधर भेजो तो प्लस एक, क्या? और दो इधर गुना में उधर जाएगा तो निकल गया मान, निकल गया ना। अब दिखाना है संबंध, क्या दिखाना है? क्या दिखाना है? संबंध किसके किसके बीच? तो शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच, तो नंबर एक संबंध, नंबर एक क्या बोलता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो, तो अल्फा के का मान कितना है? ये हो गया मेरा अल्फा, ये मेरा क्या हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करो, यानी एक बटा दो जोड़ एक बटा दो बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा, तुम लोग एकदम सीधे लिखते चल जाना है, ठीक है ना, यानी देवला हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, तो कितना होगा? आधा जोड़ आधा कितना होगा? एक,
अरे आधा रुपया एक रुपया, आधा रोटी एक रोटी, ए पगली 10 रोटी खाना है कि यहाँ ध्यान दे। बोल के ये लोग था कितना विद्वान रहे। पगली कह ये कितना हुआ, थी तो अल्फा प्लस बीटा मानने हुआ, लेकिन हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस भी बीटा है, क्या होता है, तो उसका मान निकालो, अगर उसका मान भी इतना आ गया तो संबंध हो जाएगा क्या, दोनों बराबर है, यानी देखते हो तो माइनस बी बीटा ए का मान इतना आता है, तो देखो माइनस का माइनस बी 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 कहाँ पर है, तो बी मेरा है माइनस चार, क्या चिन्ह साहित्य बोलना है, क्या बोलना है, चिन्ह साहित्य बोलना है, अरे मेरा ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तो ए हुआ चार, बी हुआ माइनस चार, अरे सी हुआ एक, तो लिख दिए ना, और ए का मान कितना चार, कितना है माइनस माइनस प्लस, और चार चार खत्म, एक आ गया, एक आ गया ना, यानी ये बराबर ये हो गया, इसलिए दे दिए बराबर, क्या दे दिए, पहला संबंध दिखा दिए, दूसरा संबंध दिखाओ, क्या दिखाओ, दूसरा संबंध, दूसरा संबंध क्या बोलता है, बोलता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा मान निकालो, अल्फा का अल्फा मान कितना है 1/2, कितना है 1/2, बीटा मान कितना है 1/2, कितना है 1/2, मान निकाले कितना 4, तो अल्फा इंटू बीटा मान कितना आया 1/4, कितना आया 1/4, कितना आया, हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बीटा ए, क्या होता है, यानी सी बीटा ए का मान भी इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए ना, देखो सी का मान कितना है, तो सी का मान है एक, कितना है, और ए का मान कितना है 4, कितना है आ गया 1/4, आ गया ना, यानी दोनों बराबर होता है, दूसरा संबंध हो गया, सब बन जाएगा तुम लोग से, सब यूट्यूब फालतू टाइम कॉल पर करेंगे हम, अरे बनेगा हाँ, तो बनाना है ठीक है ना, इसको इसको छापना है कि छापना, छाप जल्दी, चलो यार ध्यान दो, क्या क्वेश्चन नंबर देखो अब कितना, दो भी बता दिए ना, हाँ दो हो गए अंदर, अब ना बनेगा, तीन चार तुम लोगों ने बना लेगा अपने, तीन में देखो क्या लिखा हुआ, तीन में तुम लोग थोड़ा ध्यान देना है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x, देख रहा है, देख रहा है ना, तो इसमें क्या करना है तुम लोग पता है, इसमें पहले देखो ये स्टैंडर्ड रूप में ना है, स्टैंडर्ड रूप में ना है, स्टैंडर्ड रूप में है कि क्यों नहीं, स्टैंडर्ड रूप में है, देखो पगल बाके यहाँ देखो, टंगड़िया ऊपर कर दिया, मुड़िया नीचे कर दिया, नहीं कर दिया, अरे ये पहले होना चाहिए ना, अरे एक्स स्क्वायर के बाद क्या होता है, एक्स वाला होता है, और इला पगल बा पीछे होना चाहिए, नहीं तो उल्टा कर दिया, नहीं कर दिया, पहले कहेंगे तुमको तो इसको सुधार पहले पीट के, ठीक है ना, कहेंगे पहले इसको सुधारेंगे, इसको पहले सुधार देना है, तो सुधारेंगे तो क्या लिखेंगे, मानक रूप में, क्या लिखेंगे, लिखेंगे मानक रूप में, मानक रूप क्या बोलता है, मानक रूप बोलता है पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर लड्डू, यानी बोलता है, बोलता है ना, पहले तो 6x², फिर कहेंगे तुम आ चिन्ना साहित्य माइनस 7x, आई बोलेंगे तो पीछे चल माइनस 3, अब बनाने के स्टार्ट, समझ तो लगा गया, बना लेगा, बनाना है, नोमाम जिस तरह बताया था उस तरह पहले इसका मान निकालो और फिर वही करना है, समझ आ गया ना, क्वेश्चन नंबर देखो कितना चार, कितना देखो चार, क्वेश्चन नंबर चार क्या बोल रहा है, बोल रहा है 4u², क्या बोल रहा है प्लस 8, इसका निकालना है शून्यक और शून्यक और गुणांकों के बीच दिखाना है संबंध, क्या दिखाना है, ये जब दो गो रहता है तो और इजी होता है, इससे इजी हो जा नहीं सकता है, दो गो रहेगा तो क्या रहता है और इजी, कितना अगर तुमको दो गोटा लड़ना है तो आराम से थोड़ा मतलब कम मरिया खाएगा, तीन गोटा मारेगा तो कूट देगा, नहीं कूट देगा, तो दो गोटा में इजी होता है, क्या होता है इजी, तो इसको लड्डू लिखो, क्या लिखो लड्डू, अब यहाँ ध्यान दो कैसे निकालेंगे, ए बंदर 8 के साथ यू भी है, 8 के साथ क्या है यू भी है, यही है ना, ए पगली हराम किताब ना है, ए है ना, लुटो पे इसलिए हराम दिखाते रहिए, इतना लुट के ले लियो ना, इतना लुट के ले लियो, देख ले पगली, यहाँ ध्यान दे 4u² ए पगली 4u² प्लस 8u बराबर कौन सी लड्डू, कौन सी लड्डू, यही है ना, तो इसका मान निकाले से क्या निकालना है मान, तो मान कैसे निकालेंगे यहाँ ध्यान दो, निकालना है यू के मान, कैसे मान निकालना है यू का मान निकाले, कैसे मान निकालना है यू का, ऐसा करते हैं इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, अरे कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं कॉमन हो रहा है, हाँ अरे बहिर यहाँ चार, यहाँ चार है चार कॉमन, क्या चार कॉमन, यहाँ यू है तो यहाँ यू है, तो छोटका यू ले स्क्वायर में, ये कौन चीज एक तो छोटका लेना है, ये वाला यू लेना है, ठीक है ना, चार यू कॉमन तो एगो यू बच गया, अरे चार यू कॉमन एगो यू कॉमन तो यहाँ दो गो यू है ना, स्क्वायर में तो कौन चीज दो गो यू, गुना में तो एगो यू बच गया, यू है ठेपू छठेरा करते हैं तो चार ना समझ आना, और प्लस के प्लस चार दूनी तो दो कॉमन, अरे चार कॉमन हो गया तो दो बचा, और यू बाहर तो खाली क्या बचा दो, क्या बचा अब बराबर लड्डू, क्या हुआ लड्डू, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बार इसको लड्डू एक बार इसको लड्डू लिख सकते हैं, अरे तो लिखेंगे 4u बराबर लडुआ और यू प्लस 2 बराबर दो को बना और इजी होता रेखा को दीवार लगाना पड़ा, तो क्या हो गया मेरा u बराबर हो गया क्या, तो u बराबर हो गया 0/4 और 4 से 0 भागा नहीं कितना पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 4 × 0 पढ़ेंगे 0 आ जाएगा, यानी 0 बोलेगा हम भस्मास हमारे साथ है बीज है भस्म हो जी कौन चीज भी, तो u बराबर लड्डू, u बराबर लड्डू, यहाँ u बराबर कितना -2, कितना -2 निकल गया, इसको बोलेंगे अल्फा, अल्फा बराबर 0, इसको बोलेंगे बीटा, बीटा बराबर -2 निकल गया, तुम ऐसे भी निकाल सकता है, क्या बोलेगा पता है, बोलेगा 4u², इसको बोलेगा चल जाते ऊपर, क्या बोलेगा तो क्या जाएगा -8u हो जाएगा,
ना होगा। अरे आठ ही उधर जाएगा क्या होगा, माइनस आठ ही होगा। आप देख यहाँ पर ई वाला यू को बोलेगा इधर आ जा, ई यू को बोलेगा तो नीचे आ जाएगा, गुना उधर है ना, तो एगो यू से एगो यू खत्म ना हो जाएगा, यानी एगो यू से एगो यू खत्म हो गया हुआ। तो यू बराबर यहाँ क्या आएगा, तो यू बराबर आ जाएगा तुम्हारा माइनस आठ बटा चार, माइनस आठ बटा चार। लेकिन जब इस तरह बनाएगा तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना आया एगो, कितना आया, कितना आया, अरे एक ना आ रहा है, आ रहा है ना। और जब एगो आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि द्विघात समीकरण है क्या, और द्विघात समीकरण में दो हल होना चाहिए, कितना हल हल होना चाहिए, दो गो, कितना होना चाहिए दो गो, तो एगो ना आ गया, कितना आया, और काटेगा कितना आएगा, आएगा माइनस दो, कितना आएगा माइनस दो, खली वाला आ रहा है, इन्हें आया। तो बनाना इस तरह, किस तरह बनाना, इस तरह, समझ तुमको आ गया, समझ तुम लोग, तो चलो यहाँ ध्यान दो। अब क्या लिखा संबंध, क्या लिखाना है, अब लिखना है संबंध, क्या लिखना है संबंध, संबंध क्या लिखेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है जल्दी बता दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, लडुआ जोर माइनस दू, यानी करेंगे करेंगे जोर दे कितना, तो माइनस दू ये, माइनस दू ये, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बीटा है, माइनस बीटा, इसका मान भी इतना आना चाहिए, तो चलो माइनस का बी बी। अब यहाँ तुम लोग ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ ई मेरा यू यू के स्क्वायर के साथ जो होता होता है ए, जो यू एक ए गोटा साथ होता है, यानी यू के साथ जो होगा वो हो जाएगा बी, और यहाँ पर सी है क्या, सी ना, तो सी को बोलेंगे लड्डू, क्या बोलेंगे, जो नहीं रहेगा उसको बोलेंगे लड्डू, ठीक है ना। तो माइनस भी उठा है, माइनस भी उठा, तो बी मेरा कितना है आठ, कितना है, और माइनस यहाँ पर देंगे माइनस, तो माइनस दिए, और ए बोल रहा है कितना है चार, कितना है आ गया, देखो माइनस दो आ गया ना, यानी सही है, माइनस भी उठा ए बराबर सही है, तो संबंधी पहला निकल गया ना। अब लेंगे संबंध क्या है, पहला हो गया, दूसरा ले क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है लड्डू, कितना है बीटा, कितना है माइनस दो, कितना है, घेर दिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर गुना कर रहे हैं, अब गुना करेंगे कितना होगा लड्डू, कितना होगा लड्डू, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम क्या पढ़े हैं, सी बटा है, क्या पढ़े हैं सी बटा है, सी का मान कितना है, कुछ होना है तो लड्डू, अरे यू एफ के साथ जो ए हुआ, यू के साथ जो बी हुआ, तो सी नहीं है ना, सी नहीं है तो लड्डू, आइए कितना होगा चार, क्या होगा चार, जीरो बोलेगा कि हम भस्मासुर, आ भस्म कर दो, हो गया भस्म, हो गया, तो क्या हो गया, तो यानी सी बटा बराबर हो गया, तो ये भी मेरा संबंध सही है कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो सी बटा के बराबर होता है, और दोनों मान निकाले तो लड्डू आया है, बस हो गया संबंध, समझ तो आया, सब बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर दो थोड़ा देख लो, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर दो में सबने बताएंगे, एक दो को बता देंगे, फिर बाकी बात सब तुम लोग से अपने बन जाना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बोल रहा है शून्यकों का योग योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, बोले तो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर दो का एक, दो का एक, क्या बोल रहा है शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्या बोलते हैं, तो लिखना है दिया गया है, दिया गया, क्या लिखना है, यहाँ लिखना है सोल्यूशन, और यहाँ लिखना है दिया गया है, दिया गया, क्या दिया गया है, दिया गया है शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा मान दिया हुआ है एक बटा चार, कितना दिया हुआ है एक बटा चार दिया हुआ है ना। फिर बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो कोमा के बाद जो है, कोमा के बाद क्या है माइनस वन, क्या है, अब बोल रहा है क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करो, यही बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर एक शुरू में बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो, द्विघात बहुपद बताए थे, द्विघात बहुपद का सूत्र बताए थे, जल्दी बता दे, जब ये दोनों दिया रहे तो द्विघात बहुपद का सूत्र बताए थे, द्विघात बहुपद बराबर क्या बताए थे, बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर लड्डू, यही बताए थे, बराबर लड्डू नहीं दिए तो लड्डू दे देना, ठीक है ना। चलो तो अब इसको निकाल दो, क्या करो, निकालो इसका, तो एक्स स्क्वायर का माइनस का अल्फा प्लस बीटा मान एक्स अति यहाँ यहाँ एक्स 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 का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा मान माइनस एक्स, दो चिन्ह साथ में तो घेर दिए, क्या किए घेर दिया है ना। अब यहाँ एक्स यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का वन बाई फोर एक्स का वन बाई फोर एक्स प्लस माइनस का और वन का वन, जब बट्टा में रहेगा ना तब इनका जोड़ करना है, घटा करना जो होगा कर देना है, ठीक है ना। तो बट्टा में क्या है, यहाँ कोई ना तो एक, यहाँ कोई ना तो एक, तो एक चार एक कैल्शियम चार एक्स का तो चार का तो चार एक्स स्क्वायर, जानता है मिलकर जोड़ घटा करने जानता है ना, चार का तो एक का और एक गुना एक्स करेंगे तो एक एक ना एक्स होगा, हाँ तो माइनस के माइनस एक्स का एक से चार में भागा दे चार, चार से एक में गुना कर चार माइनस का माइनस बराबर लड्डू का लड्डू, इसको बोलेंगे चल उधर लड्डू खाने, कहेगा चल जाइए, ठीक है ना। और उसको पता ना है कि उधर भस्मासुर है क्या क्या,
आई हो गया भसम, क्या हो गया भसम आंसर, समझ तुम आया? अरे बनेगा, इतना ईजी है, बन जाएगा। फिर देखो अगला दिया हुआ है क्या, अगला दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा मान दिया हुआ रूट टू, कितना दिया हुआ है रूट टू, कितना दिया हुआ है रूट टू, और अल्फा इंटू बीटा मान दिया हुआ वन बाय थ्री, कितना दिया हुआ है वन बाय थ्री। बस बैठा दो मान, क्या करना है मान बैठा दो, क्या करना है मान बैठाना है, क्या करना है देख, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा मान कितना है रूट टू, एक्स का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा मान कितना है एक बटा तीन। अब नीचे हम आ गए तीन, तो नीचे रखते हैं क्या, तो करेंगे भिन्न के जोर या भिन्न के घटा, जो करना है हो जाए, यहाँ भिन्न के जोर होगा यहाँ भिन्न के घटा होगा, कुछ ना तो एक कुछ ना तो एक, तो तीन हो गया एक, एक या तीन, तो तीन से इसमें गुना कर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस एक से तीन में इसमें कर, एक से तीन में भागा देंगे तीन आएगा, तीन से इसमें गुना कर थ्री रूट टू एक्स हो गया। अब प्लस के तीन का तीन एक का बराबर लड्डू भसम, क्या तो आंसर है, तुमने आंसर क्या समझ तुमने आया, तुम लोग को मिठाई नहीं लिखना है, कस्टम करके लिखना है, बन जाएगा। तो जितना है तुम लोग को बना के आना है। तीन नंबर में देखो, तीन नंबर में क्या दिया हुआ, दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा मान दिया है लड्डू, क्या दिया हुआ है लड्डू दिया हुआ है, और इसका मान दिया हुआ रूट फाइव, कितना दिया हुआ है रूट फाइव दिया हुआ, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे लड्डू, क्या रखेंगे क्या रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे आई एक्स का एक्स अल्फा प्लस का अल्फा इंटू बीटा मान क्या रखेंगे रूट फाइव बराबर जीरो का बराबर जीरो, भसम भसम हो गया एक्स स्क्वायर, आइए पूरा भसम हो गया, बचा क्या प्लस रूट फाइव आंसर, समझ आ गया ना। बना करना तुम लोग का, तुम लोग को लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब करना करो, नहीं तुम लोग का मोबाइल भी भसम हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना, बताना अगल बगल, ठीक है। और जिसका बन कहना आया प्लस वहाँ बोले 2.1 2.2 उसको हम भसम कर देंगे।